नमस्ते, मैं हूं नीना मास्टर, आपके यूट्यूब चैनल डेप्यूटी योगा में आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं लेके आई मुद्रा प्राणायाम। मुद्रा प्राणायाम वो प्राणायाम है जो कुछ भी लोग नहीं कर सकते, मतलब उसका शरीर का लिमिटेशन रहता है, आप योगा अभ्यास नहीं कर सकते हो, तो ये मुद्रा प्राणायाम बहुत ही असरकारक है। इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। हर एक रोग के लिए अलग अलग मुद्राएं रहती हैं, ये बहुत ही मुद्राएं हैं, लेकिन मैं आज आपके पास साथ में लेके आई हूँ प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा अपने शरीर को पावर हाउस बना देती है, पूरा शरीर में शक्तिमय बना देती है, ऊर्जा पैदा होती है और वीकनेस दूर हो जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है, अपनी मांसपेशी को मजबूत बनाती है जिससे काफ मसल्स में क्रैम्स आए वो भी निकल जाता है, पूरा शरीर में कहीं पे भी नमने से वो भी निकल जाती है और पूरा शरीर शक्तिमय बन जाता है, मन शांत हो जाता है, मन का चिड़चिड़ापन निकल जाता है, क्रोध भी शांत हो जाता है, तो शरीर में माइंड में पॉजिटिव विचार भी आते हैं, शरीर पूरा तरह से शांत और अच्छी तरह से शक्तिमय हो जाता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों पे चश्मे का नंबर कम होता है और जिसको कम चश्मे का नंबर रहता है उसको चश्मे निकल भी जाता है। तो दोस्तों, ये मुद्रा प्राण मुद्रा बहुत ही अच्छी मुद्रा है, उसको आप खुद अनुभव करें तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका शरीर में कितना चेंज आता है, आपको कितनी शरीर शक्तिमय लगती है, वो अपने आप को महसूस करने से ही पता चलेगा। चलो हम करते हैं कि कैसे प्राण मुद्रा करना है। नीचे बैठ जाएंगे, प्राण मुद्रा करने के लिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं और वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो लोग बैठेंगे कुर्सी पे, दोनों चलेगा, क्योंकि अपने को तो सिर्फ मुद्रा ही लगानी है। जो लोग कुछ नहीं कर सकते लोग को मुद्रा तो कर सकते, लेकिन बॉडी स्थिर होना जरूरी है, बैक स्ट्रेट होना जरूरी है। प्राण मुद्रा करने के लिए पहले वो समझिए कि अपना शरीर पंच महाभूतों से बना है, पांच एलिमेंट से बना है। पहला है फायर, जिसको हम लोग अग्नि तत्व बोलते हैं, दूसरी उंगली है एयर जिसे वायु बोलते हैं, ये है स्पेस आकाश तत्व, ये अर्थ पृथ्वी तत्व, ये है वॉटर जल तत्व। पांचों तत्व का कॉम्बिनेशन से एक मुद्रा बनती है और हर एक रोगों के लिए अलग अलग मुद्राएं रहती हैं। तो आज का हम लोग प्राण मुद्रा के बारे में बात करेंगे, इसीलिए हम लोग को पृथ्वी एंड जल और फायर मिला के प्राण मुद्रा बनाना है, समझ में। लास्ट फिंगर टच द थंब, तीनों टिप्स टच होना चाहिए, तो पूरी एक सर्किट बनती है जिसे प्राण शक्ति अपने शरीर में फैल जाती है। तो ये तीनों ऐसे मिडल ऑफ द थाई रखना है, बॉडी में स्थित। क्लोज योर आईज, इनहेल करना है, जितना आप इनहेल करते हो, सपोज फाइव काउंट्स इनहेल, फाइव काउंट्स एक्सहेल, पहले मैं वो करती हूँ, इनहेल 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो बता दिया मैंने आपको, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है एंड हार्ट का प्रॉब्लम है, और इनिशियली भी आप ऐसे कर सकते हो। अभी हम लोग ब्रीदिंग को रोक के करेंगे, जितना लेते उसे डबल का काउंट रोकना है और बाहर छोड़ना है, जितना लिया इतना और उतना ही बार आपको रोकना है। अंत कुंभक बाह्य कुंभक के साथ हम लोग प्राण मुद्रा करेंगे। तो पहले मैं 5 काउंट लूंगी सांस, फिर 10 काउंट होल्ड करूंगी, 5 काउंट बाहर निकालूंगी एंड 5 काउंट बाहर ही होल्ड करूंगी, सस्पेंड करूंगी। तो ऐसे करना है, मैं करके दिखा दूँ। क्लोज योर आईज, मिडल ऑफ द थाई पे रखें, इनहेल किया मैंने 5 काउंट्स, 1, 2, 3, 4, 5,
होल द डबल द काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सहेल किया 5 काउंट्स 1 2 3 4 5 वहां पे होल किया 1 2 3 4 5 ये होगा एक राउंड। जो हेल्दी पर्सन वो लोग ऐसे करने से अपनी प्राण शक्ति को कहीं पे भी ला सकते हैं। जैसे आपको गुस्सा आता है तो आपका सहस्त्र धार पे ध्यान दो, आपको फेस का तेज बढ़ाए तो फेस पे ध्यान दो, आपको हार्ट का प्रॉब्लम तो हार्ट पे ध्यान दो, काफ मसल में तो काफ मसल्स में ध्यान रखो। लेकिन ये मुद्रा में इसे बैठना है, निरंतर अभ्यास करना है, कम से कम 10 मिनट से शुरू करो और जब आप 45 मिनट दिन में करोगे तब जाके आपको फायदा मिलेगा। सिर्फ प्राण मुद्रा से आपको जरूरी अभ्यास करना है। ध्यान रहे मैंने पहले भी बताया आपको, स्टार्ट करो 10 मिनट से, देन आप 45 मिनट करो। एट अ वन टाइम 45 मिनट नहीं कर सकते हो तो दिन में 2 या 3 बार करके 45 मिनट कंप्लीट कर सकते हो। ये आपको खुद को अनुभव करना है, खुद को आपको सुखमय जीवन जीना है तो जरूर प्राण मुद्रा कीजिए। और आपको की रोशनी का तेज भी बढ़ाना है तो भी प्राण मुद्रा कीजिए, शरीर में आपका त्वन बन जाएगा। तो ये जरूर इसका अभ्यास कीजिए, मेरे को इसका अनुभव लिखिए, लेकिन अभ्यास निरंतर होना जरूरी है। आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन जरूर दबाइए जिससे आपको मेरा फर्दर नोटिफिकेशन मिलेगा। नमस्ते, थैंक यू। Thank you.